स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का साइंस यानी कि विज्ञान का, ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों सबसे वायरल क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, ठीक है, यानी कि वायरल प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके दोस्तों वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना सारा दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर दोस्तों पहली बार है सब्सक्राइब जब से कीजिएगा और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका वीकली टेस्ट एग्जाम के लिए और साथ में बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है। दोस्तों सबसे पहला प्रश्न हमसे और आपसे पूछा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आप दाढ़ी बनाए होंगे, ठीक है, अगर आप लड़का हैं तो कभी ना कभी दाढ़ी बनाए होंगे और नहीं बनाए तो आगे चल के बनाएंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दाढ़ी बनाने के में दोस्तों अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण का। जब भी आप दाढ़ी बनाइएगा, अभी नहीं बना रहे आगे चल के बनाइएगा, तो अवतल दर्पण का प्रयोग ही किया जाता है, ठीक है। चलिए दो नंबर, ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्य के बीच संबंध क्या होगा, ठीक है। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी को हम लोग एक से दिखाते हैं यानी प्रदर्शित करते हैं, एक से इसको हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ जो है इसके मध्य आपको संबंध बताना, यानी कि इसके बीच आपका संबंध क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो फोकस दूरी होता है ये त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। आधा बोले तो कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, स्मॉल आर लिखे या कैपिटल आर लिखे कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। चलिए तीन नंबर, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी वेग और सी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है। ये दोनों का दोनों आपका परिवर्तित रहता है, ठीक है, क्या रहता है, तो ये आपका परिवर्तित रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग दोस्तों देखिए आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो आपका है ये एक ऐसा भौतिक राशि है जो अपवर्तित रहता है, ठीक है, यानी परिवर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए चार नंबर, अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ इंडिकेट करूंगा और आपको पसंद भी आएगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा दोस्तों आपके लिए अवतल दर्पण, ठीक है, और ये इसका रहा मुख्य अक्ष, ठीक है, ये रहा इसका एफ, ठीक है, और यहाँ पर ये रहा मान के चलिए सॉरी गलती हो गई, ये रहा सी केंद्र, ये रहा है फोकस दूरी और ये आपका पोलन की ध्रुव, ठीक है। अगर हम अवतल दर्पण को परिवर्तन के बाद अगर माने, यानी कि आपका मुख्य अक्ष के समान एक हम किरण घिसते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समान एक हम किरण घिसते हैं जो कि इसका समानांतर होगा, तो ये परिवर्तन मारेगा सीधा, तो ये जहाँ कहाँ जाएगा, तो यहाँ से ये आ रहा फ्लो कर रहा है इधर चल गया, ठीक है, यानी कि कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि आपको फोकस पर आके लटक रहा है, यानी कि अगर नीचे से भी हम लोग मारेंगे तो ये इधर से घुसेगा, यानी कि फोकस पर आकर मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोकस पर इसका होगा, ठीक है, बिंदु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस, ठीक है, जिसको हम लोग एफ इंडिकेट यानी प्रदर्शित करते हैं। पाँच नंबर, अगर दोस्तों पूछा जाता है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु का बराबर आकार तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा, दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, इसको समझने के लिए आपको समझना जरूरी है, ठीक है। मान चलिए हम आपके लिए एक दर्पण प्रयोग करके बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ये आपके लिए मैं दर्पण को तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन दर्पण है, ठीक है। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का दर्पण है, ठीक है, हम अभी नाम नहीं बताएंगे, और यहाँ पर ये रहा है आप, ठीक है, ये कौन है, तो ये आप है, ठीक है, ये आप है। मान के चलिए आप सुबह में उठे, आप सीधा जो है शीशा को, जिसको मिरर कहते हैं, जिसको हम लोग दर्पण कहते हैं या फिर हम लोग ऐनक भी कहते हैं, ठीक है, और इधर आपका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना, ठीक है, देखिए बराबर आकार का बनेगा, ठीक है, बराबर आकार का बनेगा,
साथ में ये काल्पनिक होता है, ठीक है, यानी कि आप सीधा इसमें दिखते हैं, ठीक है, क्या दिखते हैं, सीधा दिखते हैं, लेकिन काल्पनिक होता है क्योंकि आप अपने शीशा के अंदर से आप अपने को छू नहीं पाएंगे, ठीक है, या काल्पनिक होता है, साथ में बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, साथ में सीधा बनता है। तो ये जो समतल दर्पण में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आप सुबह सुबह ऐनक में यानी कि शीशा में अपना चेहरा निखारने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, प्रकाश की अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर प्रकाश के अपवर्तन पूछे या परावर्तन पूछे, ठीक है, दोनों के दोस्तों दो दो नियम ही होते हैं। कितना नियम होता है, दोनों के दो दो नियम होता है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज कभी भी मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दो नियम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे 7 नंबर, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तथा उसकी फोकस दूरी होगी। दोस्तों बेहद ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो न्यूमेरिकली आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, और वीकली टेस्ट में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूँ कि फोकस दूरी एफ पूछा है, वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। फोकस दूरी हम लोग अभी सूत्र देखे, ऊपर में एफ बराबर होता है r/2, तो हम लोग जानते हैं जब 50 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग 2 से भागा मारेंगे, 2 से मारिएगा तो भागा कितना बार में जाएगा, 25 बार में जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, फोकस जो इसका निकलेगा वो निकलेगा 25 सेंटीमीटर का, और 25 सेंटीमीटर जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत या परेशानी की बात होती है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 10th की ओर, ठीक है। तो 10th नंबर यानी कि 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चंस का रहा है, यदि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। देखिए इस बार आप क्वेश्चंस थोड़ा सा दूसरा टाइप का, फोकस दूरी कितना है वो 1 मीटर का है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, उत्तल लेंस पूछा है, ठीक है, इसमें आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या पूछता, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी कि यहाँ पर P पूछा, P आपका क्या होगा, ठीक है, P इज इक्वल टू वाट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक सूत्र लगता है, P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि जो क्षमता इज इक्वल टू होता है, ठीक है, लेंस का क्षमता इज इक्वल टू होता है 1/focus, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं फोकस आपका 1 मीटर का दिया गया, तो 1 को 1 से हम लोग भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग जो क्षमता को डायोप्टर में लिखते हैं, तो 1 डायोप्टर इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए, ठीक है। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर 1 माइनस का भी है, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उत्तल लेंस की बात आए तो हमेशा बोलेगा ये पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, ये पॉजिटिव इसका मान होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। चलिए फिर बोलता है कि किसी उत्तल लेंस के फोकस दूरी हमेशा होती है। अभी हम आपको क्या बताएं, उत्तल लेंस दिया था, फोकस दूरी पूछा, हम का चीज़ बताएं, +1 डायोप्टर बताएं, तो अब क्या करना है, इस 9 नंबर का जवाब हर एक विद्यार्थी को नीचे कमेंट करके कमेंट में बताना है कि इसका जवाब क्या होगा, ठीक है, कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है, दोनों में से एक आंसर बताइए नीचे कमेंट करके, ठीक है। चलिए इसका बाद दोस्तों हम लोग देखें 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम कहाँ होगा। हम लोग तो जानते हैं कि प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद वायु में होगा, ठीक है, उसके बाद कांच में होगा, लेकिन सबसे कम यहाँ पर चारों ऑप्शंस के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर चारों ऑप्शंस के अनुसार, ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर चारों ऑप्शन के अनुसार जल में क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम हो जाएगा, जल में क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम यहाँ पर मान हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था, ठीक है। अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और नीचे कहिएगा सर पार्ट 2 का वीडियो लेकर आइए सब्जेक्टिव का, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, और यहाँ पर जो 9 नंबर का क्वेश्चंस का जवाब सभी को नीचे कमेंट देना, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।